आज निवर्तमान सीएम हरीश रावत ने अपना 69वां जन्मदिन मनाया। इस उपलक्ष में सुबह से ही उनके प्रशंसकों ने बीजापुर जाकर उनको इस दिन की ढेरों शुभकामनाएं दी। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि उनका यह पहला जन्मदिन है जब उन्होंने केक काटा हो और इस दिन को मनाया है। इस बार दया भाव से, समर्थन के भाव से बहुत सारे लोग सुबह से आ रहे हैं, जो बधाइयां दे रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन आए हैं, मैं उन सब का बहुत आभारी हूं। बल्कि ये पहला बर्थडे है जिसको मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं, समझिए, किसी के साथ जो है। केक तो मैंने कभी काटा ही नहीं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि हमने यह दिन लोकतंत्र रक्षा संघर्ष दिवस के रूप में मनाया है। हम लोगों ने जिस तरह से हरीश रावत जी उत्तराखंड में लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज हमने उनका जन्म दिवस लोकतंत्र रक्षा संघर्ष दिवस के रूप में यहाँ पर मनाने का, हर जिले में और यहाँ देहरादून में भी, और हम सब लोग कांग्रेस के लोग उनको बधाई देने के लिए आए थे। जिससे कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, अपनी सत्ता के बल पे, अपने पैसे के बल पे, अपनी ताकत के बल पे हिंदुस्तान की किसी भी क्षेत्र की राजनीति को कलंकित न कर सके, उसके लिए जो है हम उनको बधाई देने के लिए आए हैं। हरीश रावत ने सत्ता पर बने रहने को लेकर कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और न्याय हमारे पक्ष में ही होगा। जिंदगी में ऐसे मुकाम आते रहते हैं और उन मुकामों की वजह से जिंदगी का सफर थमता नहीं है, बल्कि जिंदगी के सफर में और गति आती है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हम हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय हमारे पक्ष में है।